अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऑर्गेन्जा की ब्यूटीफुल सी फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग। इसकी आपको कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने के लिए मेरी फुल वीडियो को देखना पड़ेगा, और मैंने बहुत ही आसान तरीके से कटिंग एंड स्टिचिंग बताई है, और आप बहुत अच्छे से वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। इसके लिए हमें ऑर्गेन्जा का 5 मीटर फैब्रिक चाहिए और सिल्क फैब्रिक भी 5 मीटर चाहिए, क्योंकि इसी मुझे बॉटम भी बनाना है। इस तरह से चोली के लिए कपड़े को बिछा लेना है, शोल्डर पे 7 इंच पे मार्क कर लेना है, इस तरह से आर्मोल भी 7 इंच की मार्क कर लेना है। जो हमारा चेस्ट का मार्क है वो हमें उसका चौथा हिस्से पर मार्क कर देना है, जितना हमारा वेस्ट है उसका भी चौथा हिस्से पर मार्क कर देना है। इस तरह से हमें इन निशानों को इस निशान से मिला लेना है, और इस तरह से 2-2 इंच का मार्जिन दे देना है। इस तरह से 2-2 इंच का मार्जिन देते हुए इस तरह से इसको गोल कर देना है। इसी तरह से हमारी कटिंग हो जाएगी। इस तरह से आपको इसको कट कर लेना है, यहाँ पे नेक का मार्क करना और यहाँ पे 1/2 इंच डाउन कर देना है। इसमें हमें नेक ब्रॉड नेक बनाना है। इस तरह से इसकी गहराई फ्रंट पार्ट की गहराई होती है, आप ध्यान रखिएगा, बैक की कभी गहराई मत कीजिएगा। इस तरह से ऑर्गेन्जा पे रख के चोली भी इसकी भी कट कर लेना है। इस तरह से हमारी ये चोली भी दोनों कट हो चुकी है, ऑर्गेन्जा का फैब्रिक भी कट हो चुका है। देखिए इस तरह से इस पे ये जॉइंट हो जाएगा। अब हमें अम्ब्रेला कट कर लेना है, इस तरह से डबल फोल्ड करके फिर इसका कोन बना लेना है। इस तरह से हमारा देखिए कोन सेट तरह से बन चुका है। अब यहाँ से हमें कॉर्नर से मार्क करना है, जो हमारा वेस्ट का मार्क था वो हमें वहीं करना, जो चोली पे नीचे मार्क किया था वहीं उतना ही मार्क यहाँ पे भी हमें कर लेना है। देखिए यहाँ पे हमारा 12 इंच पर मार्क करा है, तो कोने से रख के 12 इंच पर घुमाते हुए इस तरह से हमें मार्क कर लेना है। इस तरह से राउंड शेप लाते हुए मार्क कर लेना है। इस तरह से हमारी इसकी गोलाई बहुत अच्छी बनती है और बहुत फिनिशिंग से जॉइंट हो जाता है। यहाँ से रख के हमें लेंथ का मार्क कर लेना है, फिर कोने से लेके घुमाते हुए इसको मार्क करते हुए ले चले आना है। अगर यहाँ ऊपर से आप कोने से रखते हुए लाएंगे तो आपका बहुत अच्छे से अम्ब्रेला कटिंग हो जाएगा, ऊँचा नीचा इधर उधर नहीं होगा। इस तरह से जो मार्क किए हैं हमने उसी पर कट कर लेना है हमें। अब ये थोड़ा सा हमारा जॉइंट के रहेगा, तो जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है इस तरह से हमें नीचे रख के इसका थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए हमें इस तरह से इसको भी कट कर लेना है। देखिए ये हमारा जॉइंट भी कट हो चुका है, इस तरह से हमारा ये जॉइंट हो जाएगा। अब इस तरह से हमें अस्तर को भी कट कर लेना है, इसके ऊपर रखा माप किया और इसको भी काट दिया। ये हमारा देखिए इसका अस्तर भी कट चुका है, इसका भी हमारा ये जॉइंट भी कट हो चुका है। अब हम चलते हैं, इसके लिए 4.5 इंच मार्क किया, 3.5 इंच पर डीपनेस की है, और ये 4.5 इंच पर ब्रॉडनेस इसकी की है। इस तरह से इसको छाप लेना है। अब यहाँ इसके सेंटर में एक कट कर लगा देना है, और ऑर्गेन्जा के भी इसमें कट लगा देना है सेंटर पे। इस तरह से सेंटर को मिला के यहाँ पर कच्ची सिलाई लगानी है, और यहाँ से भी कच्ची सिलाई लगानी है। ये हमारा फिक्स हो जाएगा जो इधर उधर ना भागे। अब यहाँ से मुझे पक्की सिलाई लगानी है नेक बनाने के लिए। इस तरह से हमें इस नेक को बना देना है। नेक हम ब्रॉड बना रहे हैं, तो इसलिए इसका ब्रॉडनेस डीपनेस मैंने जितनी रखी है, आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं, मैंने पूरी डीपनेस ब्रॉडनेस ज़्यादा ही रखी है। इस तरह से इसके सेंटर से सिलाई लगाते हुए चले आना है। ये हमारा नेक तैयार हो रहा है। जब तक आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए प्लीज़। जो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करके ही जाइएगा, ऐसे ना जाइएगा। इस तरह से हमें पूरी चोली पर कच्चा लगा लेना है, जो हमारी इधर उधर ना हो। अब इस तरह से देखिए सीधी रखिए, और इस तरह से इसको रख के इस तरह से इसके ऊपर फोल्ड करके यहाँ पर हमें शोल्डर को अटैच कर लेना है। ये हमारा इस तरह से शोल्डर अटैच करने से बहुत ही फिनिशिंग से अटैच होता है, हमारे सारे धागे और कपड़ा अंदर ही चला जाता है। ये देखिए दोनों तरफ से फिनिशिंग से दिख रहा है। इस तरह से अगर जॉइंट करेंगे आप तो आपकी बहुत फिनिशिंग से लगेगा। दोनों हमारे शोल्डर अटैच हो चुके हैं। यहाँ पे 4 इंच की विड्थ लेना है, और लेंथ हमारी 7 इंच की होगी बैक पार्ट पर। फ्रंट पार्ट पर चौड़ाई इतनी ही होगी, और लेंथ इसकी 6 इंच की होगी।
चोली हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब हमें घेरे और इसको एक साथ अच्छे से, ये हमारे जॉइंट जोड़ रहे हैं, ये जॉइंट अटैच हो चुके हैं। अब एक साथ इन दो ऑर्गेंजा को और सेटन कपड़े को एक साथ, सॉरी सिल्क कपड़े को एक साथ जॉइंट कर देना है। अब इस तरह से हमारा चोली में भी इसको जॉइंट कर देना है। देखिए अब हमारी इस तरह से चोली जॉइंट हो चुकी है। अब हमें फिटिंग लगा लेनी है। फिटिंग लगाने के लिए यहाँ पे ही आपको सिलाई को छोड़ देना है, क्योंकि हमें दोनों दोनों पल्लों को एक साथ नहीं सिलना है। ऑर्गेंजा को अलग सिलाई लगानी है और सिल्क अपने अस्तर को अलग सिलाई लगानी है। इस तरह से सिर्फ अब इसको ऊपर वाले ही कपड़े को सिलाई लगानी है, ऑर्गेंजा को अंदर कर देना है, उसको सिलाई में नहीं लेना है। इससे हमारी फिनिशिंग आती है और हमारा घेर भी अच्छे तरीके से पता चलता है, ज़्यादा घेर लगता है। अब इस तरह से इस कपड़े को ऊपर करना है और इसको यहाँ से हमें सिलाई छोड़ी थी वहीं से हमें स्टार्ट कर देना है। इस तरह से ये हमें इसको अलग से सिलाई लगा देनी है। दोनों साइड से इसी तरह से सिलाई लगा देनी है। ये हमारी स्लीव्स अटैच हैं। अगर आपको इस स्लीव्स की फुल वीडियो देखनी है तो आप देख लीजिए जाके, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसकी फुल वीडियो आपको मिल जाएगी। इस तरह से आपको स्लीव्स भी जॉइंट कर देनी है। ये इस तरह से हमारी फ्रॉक बनकर तैयार हो गई है। मैंने आपको फुल फ्रॉक फाइनल लुक तो मैंने आपको शुरू में ही दिखा दिया था। और प्लीज़ जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं वो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक करें बिना ना जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।